नमस्कार, मैं हूँ स्टो किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पोटैटो नगेट्स बना रहे हैं, चलिए बनाने शुरू करते हैं। पैन में एक कटोरी पानी गर्म करेंगे, नमक डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन, काली मिर्च पाउडर एक चम्मच के करीब और सभी को मिला लेंगे। गैस को लो हीट पर रखना है। एक कटोरी सूजी डालेंगे, गाढ़ा होने तक हमें इसे पकाना है। मिक्सचर गाढ़ा होने लगा है, गैस को अब बंद कर देंगे। यहाँ हमने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, चाट मसाला, नमक, ओरिगेनो, कटा हुआ हरा धनिया, सूजी का मिक्सचर। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मिक्सचर हाथ में चिपके तो आप ऑयल लगा सकते हैं। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, इसे भी मिक्सचर के साथ अच्छे से हम मिला लेंगे। हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। 15 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पर रख देंगे। अब नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसे हाथ से इस प्रकार से लंबा बेल लेंगे। छोटे छोटे से इस तरह से पीसेस काट लेंगे। इस तरह से हम इसे शेप दे देंगे। ये देखिए, सभी नगेट्स हम इस तरह से बनाकर पहले तैयार कर लेते हैं। नगेट्स रेडी हैं, अब इसे हम फ्राई करना शुरू करते हैं। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, मीडियम हीट पे रखेंगे गैस को। इस प्रकार से हम हल्के हाथों से नगेट्स को पलटते रहेंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है इसका, ये अच्छे से सिक चुके हैं। चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। बच्चों को पोटैटो नगेट्स बहुत पसंद आएंगे, आप उनके लिए ज़रूर बनाइए। इन्हें बनाना भी बेहद आसान है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।